वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान अपनी हर बात के लिए चर्चा में रहते हैं। लोग चाहे कुछ भी कहे, सलमान को कभी किसी से फर्क नहीं पड़ता। उनकी जो मर्जी आती है वो करते हैं। इस बार भी सलमान ने कुछ ऐसा ही किया जिसके कारण वो सुर्खियों में आ गई। दरअसल सलमान खान ने अपने ही एक बॉडीगार्ड को करारा थप्पड़ जड़ दिया। सलमान के इस एक्शन के लिए कहीं उनकी तारीफ हो रही है तो कहीं खिंचाई। क्या है ये पूरा मामला, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला सलमान खान की फिल्म भारत के प्रीमियर से जुड़ा हुआ है। हुआ ये था कि बुधवार को रिलीज हुई अपनी इस फिल्म के प्रीमियर में शामिल होने के लिए सलमान मुंबई के जुहू PVR थिएटर में पहुंचे। फिल्म के प्रीमियर में इंडस्ट्री के कई सुपरस्टार मौजूद थे। प्रीमियर पर सलमान के आते ही फैंस के बीच भगदड़ मच गई। ऐसे में सलमान के बॉडीगार्ड्स भी भीड़ को देखकर नर्वस हो गए। ऐसे में सलमान को फैंस से बचाने के लिए उनके बॉडीगार्ड्स लोगों को पीछे धकेलने लगे। इस पर जब सलमान के एक बॉडीगार्ड ने बच्चों को पीछे धकेलने की कोशिश की तो सलमान बिफर गए और उन्होंने उसे थप्पड़ जड़ दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में सलमान अपनी कार की ओर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं जबकि एक सुरक्षा गार्ड उनके लिए रास्ता बना रहा है। इसमें वे एक सुरक्षा गार्ड को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि गार्ड ने सलमान के फैन एक बच्चे से ठीक व्यवहार नहीं किया था जिसके बाद सलमान खान नाराज हो गए थे। सलमान ने बॉडीगार्ड को चांटा जड़ दिया और काफी देर तक उसे गुस्से से घूरते भी रहे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बवाल मच गया। कुछ लोग सलमान के इस बर्ताव के कारण उनकी आलोचना कर रहे हैं तो उनके फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि यह सलमान खान का अहंकार है, वे यह काम विनम्रता से भी कर सकते थे। तो वही सलमान के एक फैन ने लिखा कि बहुत अच्छा सलमान खान, नापसंद करने वाले कुछ भी नकारात्मक बातें कहेंगे लेकिन आपने एक बच्चे को बचाने के लिए थप्पड़ मारा। सलमान के इस कदम से कुछ लोगों ने उन्हें जेल में डालने की बात तक कह डाली। बहरहाल इस मामले में सलमान की तरफ से कोई भी बयान अभी सामने नहीं आया है। वहीं घटना के बाद कल सलमान खान ईद के मौके पर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जमा अपने फैंस को ईद की बधाई देने भी पहुंचे। इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होंगे वो जनसत्ता आपको देता रहेगा। आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।